ऑल राइट गाइज, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जिस इन्फिनिटी क्रिएशन। दोस्तों आज के इस वीडियो में बनाने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली रिंग, जिसका यूज़ करके हम अपने फ्रेंड्स को या फिर किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं और उनके साथ प्रैंक कर सकते हैं। दोस्तों इस रिंग को बनाने के लिए हमें सारे कंपोनेंट्स इस च्युइंगम से मिल सकते हैं। च्युइंगम देख सकते हो, शॉक देने वाली च्युइंगम है। जैसे मैं पुल करता हूँ तो ये एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो इस च्युइंगम का डिसएडवांटेज ये है कि जब तक से कोई पर्सन इसे पुल नहीं करेगा तब तक से उसे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। तो इस च्युइंगम का यूज़ करके मैं एक रिंग बना रहा हूँ, जिससे कि हम किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं अपने मन से। यार किसी को जाके बस हमें एक बटन दबाना होगा और उसे पर्सन से टच करवा देना होगा, उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। दोस्तों इस शॉक च्युइंगम की तरह शॉक पेन भी आता है, जिससे कि पेन को जब हम दबाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक शॉक देती है यार, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो सिंपली हमें इस शॉक च्युइंगम को ओपन कर लेना है। तो इसके अंदर देख सकते हैं एक बूस्टर कॉइल है और तीन बैटरीज हैं। तो ये तीन छोटी छोटी बैटरीज ऐड अप करके वोल्टेज 3 वोल्ट्स के समथिंग वोल्टेज देती हैं, और ये 3 वोल्ट्स को ये जो बूस्टर कॉइल है ये बूस्ट कर देता है। लगभग बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज होगा, मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता तो उस वोल्टेज में, बट करंट का अमाउंट जो होता है वो बहुत ही लो होता है। इस वजह से हमें कोई हार्म नहीं होता है इसमें, बस हमें एक शॉक टाइप फील होता है, जिससे कि हमें लगता है कि शॉक लग रहा है, बट वो कोई हार्म नहीं करता है। तो इसको बनाने के लिए मैं सारी चीज़ों का इसी में से यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें मैं बैटरी होल्डर निकाल ले रहा हूँ उसमें, जो कि हमारे बहुत ही काम करेगा बैटरीज़ को होल्ड करने के लिए। मैं अलग से बना सकता हूँ बट वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देगा उस चीज़ों को। इस रिंग को मैं पहले भी बना चुका हूँ बट वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं बनी थी। उसका जो साइज़ था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था और वो रिंग के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था, और मतलब फिनिशिंग तो एकदम थी ही नहीं उसमें। तो इस बार मैं फिनिशिंग का भी अच्छा ध्यान रखूँगा। दोस्तों अगर आप लोग ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो आगे भी देख लेना, जिससे कि मुझे थोड़ा वॉच टाइम मिल जाएगा और मेरा चैनल थोड़ा ग्रो कर जाएगा यार, तो प्लीज़ हेल्प कर देना। इस च्युइंगम के सर्किट में से मैं स्प्रिंग को और एक जो अलग सा मेटल है उसे मैं निकाल लेता हूँ, जिसे मैं बैटरी होल्डर में वापस उसी तरह फिक्स कर दूंगा जैसे ये लगा था। इस रिंग का जो रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, इस प्लास्टिक का। आप कोई भी प्लास्टिक ले सकते हो या फिर आप पीवीसी पाइप का भी यूज़ कर सकते हो। इस प्लास्टिक को रिंग स्ट्रक्चर देने के लिए मैं इसे थोड़ा सा हीट कर दूंगा और रिंग के शेप में कर दूंगा। इस रिंग के दोनों एंड को मैं फेविक्विक की हेल्प से चिपका दूंगा। इस रिंग को बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी इसमें एडजस्ट करना, इसमें जो बूस्टर कॉइल है और बैटरी होल्डर सारी चीज़ और वायरिंग्स को, सारी चीज़ों को एडजस्ट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यार मैंने बहुत मतलब कोशिश की यार, मैंने जैसे मुझे ठीक लगा मैंने वैसे इसे एडजस्ट किया, और मैंने लगता है कि बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ मैंने इसका कर दिया है। तो हमारा जो मेन कॉम्पोनेंट है वो ये मेटल स्ट्रिप्स है। तो यार ये मेटल स्ट्रिप जो है ये मैंने आयरन के लिए, आप कॉपर की भी ले सकते हो। सिंपली हमें इन मेटल स्ट्रिप्स को थोड़ा कर्व शेप दे देना है, और इनका थोड़ा साइज़ मैंने छोटा कर दिया है, और इसे हमें सीधा रिंग में फेविक्विक की हेल्प से चिपका देना है। अपने रिंग को ऑन ऑफ करने के लिए हम इस बटन स्विच का यूज़ करेंगे। तो ये बटन स्विच से दबा पुश करने पर ये रिंग हमारी ऑन हो जाएगी और हमारा शॉक जो होगा वो ऑन हो जाएगा इस मेटल पे, और जैसे ही हम मेटल दोनों मेटल जो है उस पर टच होगा किसी को पर्सन तो वो उसका इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कनेक्शन। तो यार इसमें कनेक्शन अब हमें स्टार्ट करने होंगे। तो देख सकते हो मैंने जो बैटरी के एक टर्मिनल है उसे मैंने बटन स्विच के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर लिया, और जो दूसरा टर्मिनल है उसे मैं मेटल स्ट्रिप पे कनेक्ट कर दूंगा। तो अब बारी हमारे बूस्टर कॉइल की यार, जो कि वोल्टेज को बूस्ट करेगा यार। तो इस कॉइल को मैं थोड़ा सा बेंड कर रहा हूँ, जिससे कि मैं थोड़ा इसे एडजस्ट कर पाऊँ। बूस्टर कॉइल के जो सेंटर में से जो वायर आया है उसे हमें, जो मेटल स्ट्रिप थी जिसमें हमने बटन स्विच को कनेक्ट किया था उसे हमें इसमें कनेक्ट कर देना है इस वायर को। तो वायरिंग जैसे जैसे मैं शो कर रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों को वायरिंग करना है। बैटरी होल्डर का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है उसे हमें, जो बूस्टर कॉइल का एक और पॉइंट है उस पर हमें कनेक्ट कर देना है। दोस्तों आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर को पार कर लिया है, तो उससे भी ज़्यादा हो गए हैं हमारे सब्सक्राइबर। तो यार ये आप लोग के सपोर्ट के बिना नहीं हो पाता, तो यार आज आगे भी सपोर्ट बनाए रखना, और यार एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है तो यार बहुत ही खुशी हो रही है, और लग रहा है कि कुछ थोड़ा ग्रो इम्प्रूवमेंट हुआ है। और दोस्तों आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो लोग नए हैं यार वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो पुराने हैं वो लाइक तो ज़रूर करके जाना। इसके पहले मैंने जो एक शॉक रिंग बनाया था और उसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि ये बूस्टर कॉइल कहाँ से मिलेगा, बूस्टर कॉइल मतलब पता नहीं बाहर अवेलेबल नहीं है। तो यार ये आपको बूस्टर कॉइल सीधा एक च्युइंगम, शॉक च्युइंगम या शॉक पेन में से आपको आराम से मिल जाएगा बूस्टर कॉइल, इसलिए मैंने इसका यूज़ किया। वरना मैं बाहर से इसे खरीद के, इसके पहले वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बाहर से खरीदी थी और उसमें ऐडअप की थी, बट आपको इसमें बस आपको एक च्युइंगम या शॉक पेन खरीदना है, उसमें से आपको सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे।
तो फाइनली हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। बट ये जो वायरिंग्स है बहुत ही वीक है, ये कभी भी टूट सकते हैं अगर इस पे ज़्यादा हुआ, और बाय चांस हमें भी शॉक लग सकता है। पता चला खुद दूसरे को शॉक देने गए, खुद को ही शॉक लग गया यार, तो फिर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे। तो यार इसलिए मैंने इसमें एमसील लगाया है, एमसील लगा के इसे थोड़ा सा शेप देने की कोशिश की है, और उसके बाद मैंने सैंड पेपर से इसे रब किया है। और यार अभी भी फिर भी उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैंने ब्लैक टेप से इसे कवर कर दिया है। देख सकते हो मैंने बहुत ही बारीकी से कटिंग करके इसे कवर किया है ब्लैक टेप से। तो अब बारी आती है इसे टेस्ट करने की यार, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसे टेस्ट करने के लिए। तो फटाफट से इसमें बैटरी इंसर्ट करते हैं और इसे टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप इसे किसी भी फिंगर में पहन सकते हो, मैं इसे इंडेक्स फिंगर में रिकमेंड करूंगा, इंडेक्स फिंगर में पहनो, क्योंकि उससे हमें जो बटन को ऑन ऑफ करने में आसानी पड़ेगी, थंब की मदद से हम बटन को ऑन ऑफ करेंगे। दोस्तों ये इयररिंग बहुत ही कमाल की यार, मैंने जब अपने फ्रेंड्स को दिखाया और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया यार, तो वो भी कह रहे हैं बहुत ही कमाल की चीज़ है यार, कहाँ से तूने खरीदी यार, मुझे भी दिला दे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।